भारत सरकार खुद लेके गया कि नेफा में आप सेटल करो। तो नेफा में सेटल होने के बाद आज तक भारत सरकार ने उनका जो नागरिकत्व का जो सवाल है उसको एड्रेस नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश सरकार का जो प्रपोजल था कि जो चकमा लोग 7 साल तक वहाँ बैठे हुए हैं उनको अरुणाचल से बाहर जाके रिलोकेट किया जाए, क्योंकि चकमा लोग जब आए थे तब अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नौकरी भी दिया, तो 1980 में उन्होंने नौकरी बंद कर दिया। फिर उनका उसके बाद 1991 में जो रेशन कार्ड्स है जिसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रेशन मिल रहा था उसको छीन लिया गया। पूरा सरकार चकमा को दबा के रखा है कि ये ऊपर ना। आजकल आज के डेट पे अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार नहीं मान रहा है तो वो आम सिटीजन की गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आम सिटीजन तो अपना आर्मी लेके एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार ही रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस देश का कानून मंत्री खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, होम मिनिस्टर रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फिर कोर्ट का वैल्यू कहाँ रहा? बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है कि हम पार्टीशन का जो विक्टिम्स है हम उनको देखेंगे, और चकमा उनका विक्टिम है, और उनका ऊपर जो आप जो रवैया कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो पॉलिसी है पार्टीशन पॉलिटिक्स लेके वो पूरा ख़त्म हो जाता है बीजेपी का, तो चकमा तो वहाँ रहेंगे। ये बात है कि इलेक्शन आने से पहले जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनको रेस करेंगे कि लोगों को कैसे पोलराइज किया जाए। तो ये है जो अरुणाचल प्रदेश में चकमा समुदाय का लोग हैं जो पिछले 57 ईयर्स से वहाँ रह चुके हैं, जबकि भारत सरकार ने खुद 1964 में चकमा लोगों को वहाँ पे बिठाया था। इसलिए बिठाया था क्योंकि उस टाइम 1962 का वॉर के बाद वहाँ पे कोई ऐसा ट्राइबल कम्युनिटी नहीं था जिसको भारत सरकार एक तरफ से विश्वास कर सके, जान सके, क्योंकि 64 में जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था तो वहाँ पे लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं था। तो चिटगंग ट्रैक से जब ये लोग भाग के चला आया कप्टाइ डैम और रिलीजियस पर्सिक्यूशन के चलते, तो आप सोचिए ये लोग क्रॉस किया मिजोरम और त्रिपुरा में, और बीच में पूरा बराक वैली है, पूरा अपार आसाम है, ये सब छोड़ के भारत सरकार खुद लेके गया कि नेफा में आप सेटल करो। तो नेफा में सेटल होने के बाद आज तक भारत सरकार ने उनका जो नागरिकत्व का जो सवाल है उसको एड्रेस नहीं किया। और 1996 में जब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने खुद सुप्रीम कोर्ट में किया था कि चकमाओं का जो लाइफ एंड लिबर्टीज है और नागरिकत्व का जो समस्या है उसके चलते कोर्ट का जो प्रोटेक्शन चाहिए उसके लिए गया था, 1996 में जजमेंट आया है। जजमेंट आने के बाद आप समझ सकते हैं कि आप कम से कम 26 साल चला गया, आज तक एक एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हुआ, और उस जजमेंट का रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन सब कुछ डिसमिस कर गया हो गया, और लॉ ऑफ द लैंड है। इस टाइम पे जब 2021 आया तो अरुणाचल प्रदेश सरकार का जो प्रपोजल था कि जो चकमा लोग 7 साल तक वहाँ बैठे हुए हैं उनको अरुणाचल से बाहर जाके रिलोकेट किया जाए, तो जो रिलोकेशन जो प्रपोजल है उसने शुरू किया। तो रिलोकेशन तो ऐसे नहीं कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट के मुताबिक आप किसी चकमा को वहाँ से आप इविक्ट नहीं कर सकते जब तक आप उनका सिटीजनशिप एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये जो रिलोकेशन का आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नवंबर का एंड में और दिसंबर में बोला कि हम एक स्पेशल सेंसस करेंगे चकमाओं का। लेकिन बहुत सारे चकमा हैं, मैं तो ये कहूँगा 96% का करीब जो चकमा है वो सिटीजन्स बाय बर्न है, उनका जन्म या उनका पिताजी माताजी का जन्म 1 जनवरी 1987 से पहले हो चुका है, तो ये सिटीजन्स बाय बर्न, तो आप उसको किसी लाइन में खड़ा कर सकते हैं। तो ये जो समस्या है कि चकमाओं को वहाँ से बाहर निकलें उसके चलते बहुत सारे दिक्कतें आ रहे हैं, और हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डायरेक्शन दिया है कि आप उनका मानवाधिकार लंघन करो और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करो। चकमा लोगों का हालत जो फुल पोटेंशियल है एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए वो चकमा लोगों को मिल नहीं रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि चकमा लोग जब आए थे तब
तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नौकरी भी दिया, तो 1980 में उन्होंने नौकरी बंद कर दिया। फिर उनका उसके बाद 1991 में जो रेशन कार्ड्स है जिसके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रेशन मिल रहा था उसको छीन लिया गया। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट का भी इशू नहीं किया। तो चाकमा जो एरिया है उनमें चाकमा तो सेल्फ डिफेंडिंग कम्युनिटी काफ़ी डेवलप भी हो चुके हैं ऐसे बात नहीं, लेकिन स्टेट का तरफ से कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। अभी भी वो वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं होते हैं, अभी भी रेशन नहीं मिलते हैं। इनफैक्ट कोविड का टाइम पे भी रेशन नहीं मिला था, और 2020 में भी मैंने जब इंटरव्यू किया तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को कि इनको कोविड रिकवरी प्रोसेस में जो फूड सप्लाईज है उसको इंक्लूड करो, उसको किया। तो बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट कैपेसिटी है वो एक्सेस टू एजुकेशन हो, एक्सेस टू हेल्थ केयर हो, एक्सेस टू एनर्जी और ओल्ड एज पेंशन जो भी हो, सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी कम्युनिटी है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, खुद को डेवलप करके मतलब काम करके खाना पड़ रहा है। और सरकार आज के डेट पे अरुणाचल सरकार वो चीज़ आँखों का सामने देख नहीं पा रहा है। और हमारा जो कम्युनिटी है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि चकमा जहाँ पे रहते हैं वो रिफ्यूजी कैंप नहीं है, वो पूरा हिंदुस्तान में जैसे गांव बसे हुए हैं ऐसे बसे हुए हैं। और चकमा काफ़ी हार्ड वर्किंग है और उनका जो हॉर्टिकल्चर ये है वो काफ़ी डेवलप है। इनफैक्ट हम आसाम में काफ़ी चीज़ें सप्लाई करते हैं, तो थोड़ा बहुत सेल्फ सफिशियंट है गया कुछ लोग, बट मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है जिनको सरकार की मदद चाहिए और जो आम ट्राइबल को, आम आदमी को, आम सिटीजन को अरुणाचल में मिलते हैं, सरकार उस पर नहीं देते हैं। तो पूरा सरकार चकमा को दबा के रखा है कि ये ऊपर ना आए। नहीं, चकमा आज के डेट पे उनको राइट्स के बारे में समझ में आता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझ में आता है। मैं ये कहूँगा कि सरकार की जो पॉलिसी है वो शर्मनाक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 1996 में, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट में है, स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार कहता है कि जो लोग 2014 31 दिसंबर तक आए हैं उनको सीएए के माध्यम से हम सिटीजनशिप देंगे, आपने एक्ट भी पास किया, लेकिन जो 1964 में आया है जिसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि आप एप्लीकेशन प्रोसेस करो, एक एप्लीकेशन तक आज तक प्रोसेस नहीं कर पाया, ये शर्मनाक चीज़ें हैं। भारत सरकार के लिए भी है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए है, मोदी जी के लिए है, अमित शाह जी के लिए है, किरेन रिजिजू जी लॉ मिनिस्टर है जो लॉ को मिस इंटरप्रेट करते हैं उनके लिए है, और अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर जो है उनके लिए भी है। अगर इस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो कोई आम आदमी कैसे करेगा? सो द रूल ऑफ लॉ, मेजेस्टी ऑफ द रूल ऑफ लॉ आप जो बात करते हैं सरकार खुद नहीं कर रहे हैं। तो अभी दिल्ली में एक ऐसी चीज़ है, बहुत सारे जब सरकारें आते हैं इंक्लूडिंग दिस गवर्नमेंट कि हम समस्या का समाधान करेंगे, बिना जाने बिना समझे हम समस्या का समाधान कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग भी हैं कि चकमा को वहाँ से निकालो फिर समस्या समाधान हो जाएगा। भाई चकमाओं को अगर परेशानी है, आज के डेट पे 65,000 चकमास को लेके अरुणाचल को प्रॉब्लम है। ठीक है, अरुणाचल का जो बार्डन है 65,000, आसाम ले लेंगे, त्रिपुरा ले लेंगे, फिर आसाम और त्रिपुरा भी तो बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे 70% जो लोग हैं पाकिस्तान से आए हैं, हम तो बांग्लादेशी नहीं हैं, हम पाकिस्तान से आए हैं। तो त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में जितने सारे रिफ्यूजीज आए हैं 1947 से 71 तक जो सिटीजन है, तो आप उनका भी बोझ ले लो। खाली अरुणाचल का बोझ क्यों, आसाम त्रिपुरा कोई भी इससे लेगा, अरुणाचल एज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री उनको भी तो बोझ लेना पड़ेगा। फिर आप लेके जाओ और त्रिपुरा तो बहुत खुश होगा कि कुछ लाख जो हिंदू बंगालीज है जो पार्टीशन का टाइम पे भाग के आया है अरुणाचल में चला जाएगा, वो भी लोग खुश होंगे। तो आप जो पैदा कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के नाम पे अब एक पेंडोरास बॉक्स खोल रहे हैं जिसका चलते अगर आप ढूंढने लगेंगे कि 7 साल के बाद भी आप सिटीजन नहीं है, फिर हिंदुस्तान को उटल पुटल हो जाएगा। और दुख की बात यह है कि अरुणाचल सरकार चकमा के बारे में बात करते हैं, आपका पूरा बॉर्डर तो बर्मा का साथ है, बर्मा से तो पूरा अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर में रिफ्यूजी आ रहा है 1 फरवरी से लेके, अब उनके बारे में कुछ नहीं कहते। बर्मा से, म्यांमार से,
जब से एक एक फरवरी 2021 में मिलिट्री ने पावर टेक ओवर कर लिया तो मिजोरम में 20,000 है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन दिया है कि बर्मीज रिफ्यूजीज को आने मत दो, आ रहे हैं तो आप उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। तिब्बतन रिफ्यूजीज है, चाइना का साथ आपका बॉर्डर है, हर दूसरा दिन इनकर्शन इस तरफ से होता है, चाइना की तरफ से होता है, तो वहाँ से अगर रिफ्यूजी आ रहे हैं तो आप उनके बारे में बात नहीं करते। और चकमा के बारे में, आसाम का गेटवे, अगर गेटवे अब नॉर्थ ईस्ट इलीगल इमिग्रेंट के लिए है, कितने लोग आए हैं? चकमा पॉपुलेशन जो अरुणाचल में सबसे ज़्यादा कम है पॉपुलेशन ग्रोथ, और अरुणाचल का जो लोकल पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस हैं कि चकमा जो किसी को था एक पंचिंग बैग बना के रखा है और कुछ नहीं। मेरे ख्याल से हमारी तरफ से कोई, हमारा फोर फादर्स जो है उनका तरफ से कोई गलती नहीं हुआ, अगर गलती हुआ तो सरकार की हुई है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो है 1970s में जब एंटी फॉरेनर एजिटेशन में शुरू हुआ आसाम में, तो उसके चलते तो पूरा आसाम ही जल गया, तो उसी का जो इफेक्ट है अरुणाचल में जाके पड़ा। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 1979 से पहले तो चकमाओं को सरकारी नौकरी भी मिलते थे, अभी भी सरकारी नौकरी पे है और अभी भी पेंशन ले रहे हैं सरकारी नौकरी पे एज सिटीजन। तो ये तो जब, क्योंकि 1971 24 मार्च का पहले जो आया है वो तो सिटीजन्स है, और इंदिरा मुजीब एकॉर्ड के चलते मतलब हिंदुस्तान में जितने सारे लोग 24 मार्च 1971 से पहले आ गया, सबको तो सिटीजनशिप मिल गया एक्सेप्ट चकमाओं को, क्योंकि वहाँ जाके ये लोग आसाम के जो एंटी फॉरेनर एजिटेशन है उसका चलते। तो ये एंटी फॉरेनर एजिटेशन होगा या हमारा फोर फादर्स तो देख नहीं पाया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट किया, लोकल पॉलिटिशियन डिस्क्रिमिनेट किया, अल्टीमेटली इशू तो सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो अगर आजकल आज के डेट पे अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सरकार नहीं मान रहा है तो वो आम सिटीजन की गलती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आम सिटीजन तो अपना आम मिल के एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर सरकारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, इस देश का कानून मंत्री खुद रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, होम मिनिस्टर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, फिर कोर्ट का वैल्यू कहाँ रहा? जो हम जो रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कंट्री गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ, वो तो ख़त्म ही हो गया। इनफैक्ट चकमाओं के बारे में दो चीज़ ख़त्म हो जाता है, एक बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है कि हम पार्टीशन का जो विक्टिम्स है हम उनको देखेंगे, और चकमा उनका विक्टिम है, और उनका ऊपर जो आप जो रवैया कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उनका जो पॉलिसी है पार्टीशन पॉलिटिक्स लेके, वो पूरा ख़त्म हो जाता है बीजेपी का। कोई जब चकमा का यहाँ पे आता है वो ख़त्म हो जाता है, उनका पॉलिटिक्स कमिटमेंट वहाँ पे ख़त्म हो। दूसरा चीज़ कि जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश पालन नहीं कर रहे हैं उसका जो ये कर रहे हैं, तो वो भी ख़त्म हो चुका है। तो रूल ऑफ लॉ हमारा जो एप्लीकेबल होता है वो नहीं हो रहा है, तो हम कैसे कहेंगे कि जिस देश में कोर्ट का जजमेंट का अवमानना होता है, कैन यू क्लेम एज अ सिविलाइज सोसाइटी? एब्सोल्युटली नॉट, द एंटायर थिंग हैज कोलैप्स्ड। सो व्हेन इट कम्स टू चकमा, दिस गवर्नमेंट बेसिस फॉर इट्स पॉलिसी ऑन पार्टीशन एज वेल एज रेस्पेक्ट फॉर द मेजिस्ट्री ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यू नो आई मीन द बोथ ऑफ देम हैव कोलैप्स्ड। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है और ऑलरेडी सेटल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चकमा को वहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, इसलिए निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि जजमेंट जो है उनका रिव्यू पिटीशन और क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हो चुका है, तो चकमा तो वहाँ रहेंगे। ये बात है कि इलेक्शन आने से पहले जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनको रेज करेंगे कि लोगों को कैसे पोलराइज किया जाए। तो ये पोलराइजेशन खाली अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, आप पोलराइजेशन देखेंगे पूरा हिंदुस्तान में पोलराइजेशन हो रहा है, कभी कभी हिंदू मुस्लिम का नाम पे, कभी कभी हिंदू क्रिश्चियन का नाम पे, कभी कभी रीजन का नाम पे, ये जो पोलराइजेशन है वो तो चलते आ रहा है लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही प्रकट हो गया। और ये पोलराइजेशन होता रहेगा तो मैं तो ये कहूँगा कि ठेगोर का एक बहुत बढ़िया पोएम है बंगाली में कि आप अगर किसी को नीचे रखते हैं वो आपको नीचे खींच के लेके जाएगा। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव ये है कि किसी एक कम्युनिटी को नीचे घिरा के रख के आपका प्रदेश आपका देश एडवांस होगा, वो कभी नहीं हो सकता है। वो अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल पॉलिटिशियन हो, ये बीजेपी का हिंदुत्ववादी पॉलिटिशियन हो, ये मुस्लिम लीग का, ये जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी का, वो सोच ही गलत है।
अगर उससे हम ऊपर नहीं आ पाते हैं तो हम एज ए कंट्री कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो डिवाइड जो चल रहा है वो हमारा जो वन ऑफ द मेन रीजन इस देश में कि डेवलप नहीं हो पा रहा है, ये डिविजन ही है। हम सोचते हैं, कम्युनिटी सोचते हैं, देश में भी ये सोच है कि किसी को दबा के रखेंगे तो डेवलप होगा, इसमें सबके साथ सबके विकास नज़र नहीं आ रहा है।